आपके खाने के स्वाद को बना दे टेस्टी और मजेदार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 5 मिनट में स्टफ्ड भरवा मिर्ची की रेसिपी, जो आपके बेस्वाद खाने को भी बना दे स्वादिष्ट और मजेदार। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मोटे वाली मिर्ची ली है, जिसकी कि मैंने स्टेम निकाल कर धोकर अच्छे से पोंछ लिया है, और इसे सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीखी कम होती है तो मैं बीज नहीं निकालती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो वेजिटेबल चॉपर में से भी चॉप कर सकते हैं। तो बस प्याज हमारा कद्दूकस हो गया है। इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी सौंफ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अचार का मसाला। आप किसी भी अचार के मसाले का यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बेसन। तो यहाँ पर मैंने बेसन को रोस्ट करके डाला है। बेसन को ना मैंने गैस पर भून लिया था, बिना घी के और बिना ऑयल के। एक अच्छा बाइंडिंग टेक्सचर देगा हमारी फिलिंग को। तो बस सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसमें अमचूर और गरम मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमने जो अचार डाला है ना, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसे स्लिट की हुई मिर्चों में भर लेंगे। अच्छे से भरेंगे मसाले को। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को भर लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूँ, 2 टेबलस्पून। ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी मिर्ची, जिसे कि हमने भर कर रखा है। मिर्चों को बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। मिर्चें हल्की सी नीचे से रोस्ट हो गई हैं, तो इसे पलट लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट मिर्चों को इसी तरह से चलाते हुए हम सेक लेंगे। मिर्चें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं ऑयल में, मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है और इनके ऊपर एक बहुत बढ़िया कलर भी आ चुका है। तो बस अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। इन स्टफ्ड मिर्चों को आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दाल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, तो मैं तो चली इसे खाने। मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आप मिर्चों के अंदर क्या क्या स्टफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।